अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वरीशा की दुनिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली आई एम हियर नाउ। दिस ब्लॉग इज 12th of August। सो फाइनली एक न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक पे आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सारा सेटअप कर लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर वीडियो के थ्रू आपको पता ही चल जाएगा किस चीज़ की वीडियो, और थंबनेल से भी आपको आइडिया हो ही गया होगा। सो फाइनली मैं ये वीडियो सारी गर्ल्स के लिए लेके आ गई। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। मैं इसको पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड करके कंटिन्यू करूँगी ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी ना हो और आप लोग इजीली देख भी लें। तो सबसे पहला हम लोगों का प्रोडक्ट है फेस क्लीनिंग ब्रश। ये हमारी फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जेंटल स्किन के लिए, एंड जो भी हम लोगों की डस्ट स्किन डेड हो जाती है स्किन, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिमूव करता है हमारे स्किन के जितने डेड सेल्स, उसको भी रिमूव करता है। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है 198 का मुझे मिला था, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड दूसरा है कॉसर स्टोनेज जेडर रोलर। ये हमारे फेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मैंने इसका रिव्यू काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह में देखे हैं। बहुत सी गर्ल्स ये कैरी करती हैं एंड ये बहुत ही हेल्पफुल भी रहता है। मैंने इसका यूज़ कभी नहीं किया था लेकिन मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया, तो मैं भी यूज़ करूँगी। एंड मैं आप लोगों को भी सजेशन देती हूँ कि आप लोग भी परचेज़ करिए। ये मुझे मिला था ऑनलाइन 365 का। एंड देन ये मिनी परफ्यूम रेफिलर। तो ये परफ्यूम बहुत सी गर्ल्स परफ्यूम नहीं लेती हैं, जैसे कि मैं भी नहीं करती थी, परफ्यूम वगैरह नहीं यूज़ करती थी, बस ऐसा होता तो कभी कदार। तो ये स्प्रे है ना कि परफ्यूम, ये आप इजीली बैग में भी कैरी कर सकते हैं एंड आपको इससे कोई हार्म भी नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट हेयर स्ट्रेटनर मस्ट हैव। गर्ल्स बहुत सी गर्ल्स के पास ये ऑलरेडी कैरी करती हैं, जैसे कि मैं भी काफ़ी साल से कैरी करती हूँ ये सारे प्रोडक्ट। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। इस स्ट्रेटनर से ये रहता है, हेयर स्ट्रेट हो जाती है तो गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती है एंड उसके लुक्स भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी चाहिए इसको परचेज़ कीजिए। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। एंड देन है नेक्स्ट वुड एंड कॉम्ब। तो ये मैं बहुत पहले ना मैं प्लास्टिक के कॉम्ब यूज़ करती थी, तो मतलब मेरे हेयर ग्रोथ नहीं होते थे एंड बहुत ज़्यादा ये होता था कि डैंड्रफ वगैरह बहुत रहते थे। तो मैंने फिर बहुत सारी क्लिप्स वगैरह देखी, डॉक्टर से एक सजेशन लिया। मैंने मेरे जो मतलब मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं जो जिससे मैं सजेशन लेती हूँ हर चीज़ के लिए, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप वुडन का यूज़ करो, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पफुल था। एंड देन है ये सिल्की स्क्रिंचर्स। तो ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं हेयर्स के लिए, हेयर को डैमेज नहीं करते हैं एंड बहुत ही फ्रैक्शन से हमारे यूज़फुल रहते हैं। एंड आप इसको हाथ में भी कैरी कर सकते हैं इजीली। मैं ज़्यादातर मेरे हैंड्स में भी ये कैरी हो जाते हैं एंड हेयर में भी, तो आप ये दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो जैसे आप चाहो। एंड देन है आइस रोलर। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एवरी गर्ल्स के लिए कि ताकि हम लोगों के लिए। मैंने तो ये ऑनलाइन ही परचेज़ किया था लेकिन आप चाहें तो सामने से भी परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही रेयर होगा जो नहीं मिलेगा, वरना हर कॉस्मेटिक के शॉप पे भी अवेलेबल रहता है। तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग डेली रूटीन में इसको यूज़ करें एंड इसको ऐसे ओपन करते हैं, आप वाटर डालिए एंड फ्रीज़र में रख दीजिए, तो आप ये इसको आइस रोलर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। फाइनली वीडियो डन हो गई और अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज़ का भी वक्त हो गया है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक न्यू वीडियो में। अब इंशाल्लाह व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह न्यू वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।